Welcome to this session. I am Tarun from Government Polytechnic Alapur Badayu. In this lecture, I will discuss about electric line of force and electric flux. First agenda, electric line of force and electric flux. Now first question is, what is electric field lines? विद्युत बल रेखाएं से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को स्पेशल लाइनों से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिन्हें विद्युत बल रेखाएं और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स विद्युत बल रेखाएं नेगेटिव चार्ज पर समाप्त होती हैं, जो कि इनफाइनाइट से आती हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स विद्युत बल रेखाएं जितनी ज़्यादा होगी उस चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स नंबर ऑफ लाइन जो हैं वो किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड को बताती हैं। एंड लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर तीन तीन छः हैं और दो आठ लाइनें से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर कुछ लाइनें ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पर जो चार्ज होगा वो इस चार्ज के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, मीन्स लाइनें आठ हैं, और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, मीन्स यहाँ पर जो लाइनें हैं वो डबल होंगी। मीन्स जो लाइनें हैं वो चार्ज के मैग्नीट्यूड को बताती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो अलग अलग डायग्राम्स हैं, एक प्लस चार्ज के लिए और एक नेगेटिव चार्ज के लिए। प्लस चार्ज इस दोनों में मैग्नीट्यूड सेम है, तो नंबर ऑफ लाइन्स भी सेम है, बट वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। प्लस चार्ज के लिए जो लाइन है वो दूर की तरफ जाती है, और नेगेटिव चार्ज के लिए आप इसमें देख सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर एक नेगेटिव है, यहाँ पर दो नेगेटिव साइन बने हुए हैं, मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन इस चार्ज के कंपैरिजन में इधर डबल होंगी। नेगेटिव चार्ज के लिए लाइन इनफाइनाइट से नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है, और पॉजिटिव चार्ज में लाइनें पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ जाती है। नेक्स्ट डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हुआ। प्लस चार्ज जितनी भी लाइनें निकलती है वो नेगेटिव चार्ज पर आकर रुक जाती है, तो ये कंप्लीट डायग्राम में प्लस चार्ज से लाइनें जाएंगे वो नेगेटिव पर फिनिश हो जाएंगी। इस केस में प्लस क्यू चार्ज है, मीन्स इसके कंपैरिजन में इधर जो नंबर ऑफ लाइन्स हैं वो डबल हो जाएंगी। और लास्ट डायग्राम में प्लस क्यू दो सेम चार्ज है, जिसमें सारी लाइनें एक दूसरे से दूर जाएंगी, मीन्स पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी दो अलग अलग चार्ज हैं, इन चार्ज का आपको नेचर नहीं पता कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही होगा कि ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा चार्ज ये वाला है और कौन सा चार्ज यहाँ पर है। तो चार्ज को कंफर्म करने का बहुत आसान तरीका है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दूर की तरफ जाती है, मीन्स वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और जहाँ पर लाइनें इनफाइनाइट से चार्ज की तरफ आती है वो नेगेटिव चार्ज होगा। मिस ए को आप देखिए, यहाँ से लाइन्स दूर की तरफ जाती है, एरो साइन बना हुआ डायरेक्शन के लिए, मिस ये पॉजिटिव चार्ज है, ये साइन बना हुआ है आने का, मिस ये नेगेटिव चार्ज है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। अब क्वेश्चन है कि मैग्नीट्यूड कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये मैग्नीट्यूड चार्ज का ज़्यादा है या इस चार्ज का ज़्यादा है। तो आप देखिए, ए से निकलने वाली जो लाइनें हैं तीन और तीन छः, दो आठ लाइनें हैं ए से निकलने वाली, बट बी पर आने वाली जो लाइन है वो फोर है। मीन्स जो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के कंपैरिजन में जस्ट डबल है। रीजन, यहाँ पर चार लाइनें आने वाली हैं और यहाँ पर आठ लाइनें जाने वाली हैं, तो जो नंबर ऑफ लाइन्स हैं वो किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो इस केस में जो ए का जो मैग्नीट्यूड होगा इज ग्रेटर देन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे किसी भी सरफेस से
गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की संख्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। मीन्स अगर कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो उस फील्ड से जितनी भी लाइनें निकलती हैं वो लाइनें ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। दो अलग अलग डायग्राम है। फर्स्ट डायग्राम में आप देखना, ये एक सरफेस है, यहाँ से तीन लाइनें अंदर की तरफ जा रही है और तीन लाइनें बाहर की तरफ आ रही हैं। मीन्स इस कंडीशन में जो नेट फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। रीजन कि आने वाली और जाने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं वो सेम है। सेकंड डायग्राम में आप देखिएगा, अंदर जाने वाली लाइनें एक हैं और बाहर आने वाली लाइन तीन है। मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है वो जीरो नहीं होगा। 3 - 1 = 2, तो इस फिगर में जो फ्लक्स आएगा वो 2 होगा। अब किसको पॉजिटिव रखते हैं किसको नेगेटिव है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जितनी भी लाइनें बाहर जाते हैं किसी भी सरफेस से, क्लोज सरफेस से जो लाइनें बाहर जाएंगी उस केस में जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, और जितनी लाइनें अंदर की तरफ आती हैं उस केस में जो फ्लक्स होता है वो नेगेटिव होता है। मीन्स अंदर आने वाली लाइनें नेगेटिव में आएगी और बाहर जाने वाली लाइनें पॉजिटिव में होंगी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस टाइप से फाई बनता है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के इनर प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये सरफेस वेक्टर है एरिया के लिए है, ये इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उनके लिए होगा। दोनों का जो इनर प्रोडक्ट होगा उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पर दो अलग अलग केस बन सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइनें हैं और जो एरिया है अगर वो दोनों की डायरेक्शन सेम है और एक दूसरे के पैरेलल कंडीशंस में है, उस केस में ई डॉट जो डी ए होगा उसके बीच का जो एंगल होगा वो जीरो होगा। क्योंकि एरिया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो आप जब उस पर लाइन ड्रॉ करते हैं वो उसी लाइन में आएगा, तो उस केस में ई और डी ए के बीच जो एंगल होगा वो जीरो होगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो ई इंटू ए, सिंपल ई ए बन जाएगा। सेकंड, अगर एरिया ई के साथ नहीं है एक सर्टेन एंगल पर है तो उस केस में जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो सेम कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एरिया अलग लाइन से जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है वो अलग होगी, तो उस केस में आप सीधा सीधा लिख सकते हैं ई डी ए कोस थीटा। मीन्स जो एंगल होगा वो ई और ए के बीच जितना भी एंगल आएगा उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ई ए कोस थीटा होगा। अब क्वेश्चन आएगा कि जो सिलेंडर आपके सामने है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं तो यहाँ पर तीन सरफेस होंगी, एक आगे वाली सरफेस, एक पीछे वाली सरफेस, एक कर्व सरफेस जो पूरा कर्व है, ये कंप्लीट कर्व। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको टोटल निकालना है तो तीनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट आगे की सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, पीछे के लिए कितना होगा और कर्व के लिए कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इक्वल्स टू होगा 5152 + 5 3। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला सिंपल होगा ई ए कॉस थीटा। तो अगर मैं इस सरफेस की बात, फर्स्ट सरफेस की बात करता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल होगा वो जीरो है, तो यहाँ पर आएगा ई ए वन कॉस जीरो। जीरो मीन्स डी ए और ई के बीच दो जो लाइन है वो एक दूसरे के समानांतर है, इसलिए इस केस में जो एंगल होगा वो जीरो होगा। फाइ टू मीन्स पीछे वाला हिस्सा, सिलेंडर का पीछे वाले हिस्से में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ होगी, एरिया इधर की तरफ होगा। मीन्स पूरा 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री मीन्स ई ए टू कोस 80 प्लस, अगर कर्व सरफेस की बात करते हैं पूरा कंप्लीट कर्व जो बनता है सिलेंडर के अंदर, तो इस केस में जो एरिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो इस केस में जो एंगल होगा वो 90 आएगा। तो ई ए थ्री कोस 90, कोस 90 जीरो होगा तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। इधर कोस 0 1 और कोस 80 माइनस 1, ई ए 1 प्लस ई ए 2 - 1। अगर एरिया सेम होगा
मीन्स आगे का एरिया पीछे के एरिया दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, सिमेट्रिक है सिलेंडर के अंदर। तो इस केस में जो टोटल फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। और फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा टोटल जीरो, मीन्स जीरो मीन्स जो आया वो चला गया, मीन्स इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों सेम है, उस केस में हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स जीरो है। नहीं तो आपने किसी चीज को स्टोर किया और ना ही आपने किसी को एक्सेस में नेगेटिव फ्लो किया, तो मीन्स ना तो आपके पास सोर्स है और ना ही आपके पास सिंक है। सोर्स मीन्स सप्लाई करने वाला, सिंक मीन्स स्टोर करने वाला। तो फ्लक्स जीरो का मतलब कि इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही सेम थी, तो इस डायग्राम में जो फ्लक्स होगा टोटल जो फ्लक्स है वो जीरो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।